भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। यह समस्त संसार भगवान की दिव्य संरचना है और इसमें दिव्य संरचना को संचालित करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वह सगुण साकार बन जाए, उस अवतार की श्रृंखला में परमात्मा का दिव्य अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जो तिथि के आधार पर, मास के आधार पर, दिन के आधार पर, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में परमात्मा का अवतार हुआ है, जो संयोग से कल संपूर्ण ये तिथि, वार, नक्षत्र आदि सब प्राप्त हो रहे हैं। कल बुधवार भी है, रोहिणी नक्षत्र भी पड़ेगा और मास भी भाद्र मास कृष्ण पक्ष, इसलिए संपूर्ण भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस रसावतार, प्रेमावतार, अनुग्रह अवतार, थिरकते हुए आनंद का नाम ही श्री कृष्ण है, ऐसे दिव्य अवतार की सबको बहुत बहुत बधाई है। सबके अंतःकरण में परमात्मा का अवतार हो और वह आनंद से उसका जीवन परिपूर्ण हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नारायण 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 नारायण।